हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर मनीषा वर्मा। यू ऑल आर वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लासेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 12 फ्रिक्शन एंड द क्लास इज क्लास एर्थ। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन इन नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक ज़रूरी भी है लेकिन ये एक इविल भी है। आपने ये देखा होगा कि जब आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं या कांच के टम्बलर में, कांच के गिलास में चाय पीते हैं, तो आप अगर आपने उसमें टम्बलर में या गिलास में ऑयल लगा दें तो क्या उसको होल्ड करना पॉसिबल होता है? क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कैसे कि क्या कितना आप जब कभी सड़क पर कीचड़ वगैरह होता है, मड होता है, तो उसमें चलना कठिन होता है, आसान होता है, या वेट मार्बल पर चलना कठिन होता है या आसान होता है। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या हम चल पाते? इम्पॉसिबल, हम ना चल पाते और ना तो आप पेंसिल लिख पाते। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप ना लिख पाते। क्यों? क्योंकि दो सरफेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो फ्रिक्शन होता है। इसी तरीके से अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम ब्लैकबोर्ड पर चौक से ना लिख पाते। सो चिल्ड्रेन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करती है और वो कभी ना रुकती, अगर फ्रिक्शन ना होता वो जीवन पर्यंत चलती रहती। इसी प्रकार से यहाँ पर रोड और ऑटोमोबाइल्स के टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ना तो वो रुकती, ना तो स्टार्ट होती और ना ही डायरेक्शन को चेंज कर सकती थी अगर फ्रिक्शन ना होता। बच्चों, इसी प्रकार से ना तो हम दीवार में कील लगा सकते थे, ना तो टाई में नॉट लगा सकते थे। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, ना तो बिल्डिंग ही बन पाती। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं, ये तो सारी लाभदायक चीज़ें हो गई, हमारे लिए बेनिफिट वाली चीज़ें हो गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्रिक्शन इज एन इविल, एक इविल भी है क्योंकि ये नुकसान करती है। ये मटेरियल जो चीज़ें जिस पर हम स्क्रू लगाते हैं वो ख़राब भी हो जाती है। बाल बियरिंग, सोल्स ऑफ शूज़, ये सब ख़राब हो जाते हैं। और फूट के, ये देखिए, ओवर ब्रिजेस वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फूट ओवर ब्रिजेस एज रेलवे स्टेशंस। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, हीट भी इससे प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जब आपस में जब मशीन के पार्ट्स टकराते हैं तो उसमें से बहुत सी हीट निकलती है जो कि वेस्ट हो जाती है। आप इसको ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे अगर आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो गर्मी महसूस होती है, आपने ठंडक में ये देखा होगा। इसी प्रकार से मैच स्टिक को अगर हम रफ सरफेस पर रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। इसी प्रकार से जब आप मिक्सर में जार में कुछ डाल कर आके आप उसको ग्राइंड करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। यू कैन सी ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन द फिगर। दिस गर्ल इज रबिंग द हैंड टू फील हर पाम वॉर्म एंड इन दिस फिगर यू कैन सी स्ट्राइकिंग ए मैच स्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। इस प्रकार से मशीन ऑपरेट होती है, हीट जनरेट होती है जिससे बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो अब हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए आगे पढ़ेंगे कि क्या कैसे हम कर सकते हैं। तो यू कैन सी इन द नेक्स्ट हेडिंग दिस वन, इंक्रीज द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। किस तरह से फ्रिक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, किस जगह पर हम घटा सकते हैं? तो आपने ये देखा होगा फ्रिक्शन कुछ जगह पर तो लाभदायक है लेकिन कहीं कहीं पर ये बहुत ही हानिकारक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि शूज़ जो उसमें टायर्स जो होते हैं उसमें ग्रूव्स बना दिए जाते हैं। यू कैन सी इन दिस टायर एंड यू कैन सी इन द शू सोल कि इसमें ग्रूव्स बना दिए जाते हैं ताकि इनकी जो रोड पर हो वो बेटर ग्रिप हो जाए और ये फिसले ना, इसलिए ये बनाए जाते हैं। ये इस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करके अपने
लिए लाभदायक कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए आगे भी है कि वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन द ब्रेक सिस्टम। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाइसिकल ऑटोमोबाइल, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पहिए रुक जाते हैं, लेकिन जब वो इस तरीके से क्यों होता है, ये फ्रिक्शन के कारण होता है। आपने देखा होगा जब कबड्डी प्लेयर होते हैं जब दौड़ते हैं तो अपने हाथों में मिट्टी लगा लेते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको पकड़े तो बेटर ग्रिप हो जाए। इसी तरह जिमनास्ट अप्लाई सम कॉर्ड सब्सटेंस ऑन दियर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कोई कॉर्ड्स खुरदुरी चीज़ पकड़ते हैं ताकि उनके हाथों से बेटर ग्रिप हो जाए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन खुरदुरी सतह पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है और चिकनी सतह पर कम हो जाता है। इसी सिचुएशन में हमारे लिए तो ये अनडिज़ायरेबल है, लेकिन जब हम इसको कम करना हो तो क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि जब कैरम बच्चे खेलते हैं तो उसमें फाइन पाउडर डालते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो गोटियां होती हैं वो आसानी से स्लिप होती हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब दरवाजे हैं टाइट खुलते बंद होते हैं तो उसमें हम उसके कब्जे में या हिंज में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑयल डाल देते हैं। बाइसिकल और मोटर मशीन यूज़ ग्रीस बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ, जब बहुत कड़ी मशीनें चलती हैं हार्ड चलती हैं तो उसमें हम जो है कुछ ऑयल डाल देते हैं। आपने घर में देखा होगा सिलाई मशीन में मम्मी कभी कभी मशीन ऑयल डालती है, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ऑयल ग्रीस ग्रेफाइट इज़ अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस, डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। ये देखिए यहाँ पे सरफेस वन सरफेस टू और बीच में लुब्रिकेंट है ऑयल ग्रीस वगैरह, तो इससे क्या होता है कि ये जो दो सरफेस के दो सरफेसेस हैं मशीन पार्ट में वो आपस में घिसते नहीं हैं, वर्नआउट नहीं होते हैं, आपस में जो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज अवॉइड हो जाती हैं काफ़ी सीमा तक, और ये चिकनाहट के कारण होता है। तो ऐसे सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। कुछ मशीनों में ये एडवाइस नहीं दिया जाता है कि इसको यूज़ करें। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एयर कुशन भी यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि फ्रिक्शन कभी कभी बहुत ही लाभदायक होता है और कभी कभी हानिकारक भी होता है। फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड, फ्रिक्शन को कभी पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी सरफेस इतनी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ खुरदरापन उसमें रह ही जाता है। तो आइए अब देखते हैं व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, इन व्हाट वेज व्हील्स कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। आपने देखा होगा अटैचीज हैं या लगेज हैं तो उसमें रोलर लगे रहते हैं, यू कैन सी इन दिस फिगर दिस इज ट्रॉली बैग एंड हियर रोलर्स आर फिटेड। तो इस प्रकार से हमको ये ले जाना आसान होता है क्योंकि रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, सबसे पहले आप कुछ पेंसिल्स ले लेंगे 3 or 4, इसके बाद आप उसके ऊपर एक बुक रख देंगे, अगर आप उसको रोल करेंगे तो वो आसानी से रोल हो जाती है। इससे पहले कि आप खिसकाएं उसको स्लाइड करें तो ये रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कम लगता है, ये आसानी से मूव हो जाती है। तो ये हमने देखा कि इस तरीके से कि आसानी से मूव हो जाती है और हैवी मशीनरी भी इसी तरह से ले जाई जाती है। अब देखिए व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ वन अनदर, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती है तो रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो उस टाइप के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, जब रोल करे चीज़ तो रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और ये स्लाइड की अपेक्षा रोल करने में चीज़ें आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ये कन्वीनियंट होता है लगेज को ले जाना रोलर पर। तो इस प्रकार से हम देखिए कितना ये अच्छा हुआ कि व्हील का इन्वेंशन हो गया जो मानवता के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग से रोलिंग में फ्रिक्शन कम लगता है। स्लाइडिंग, अब इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन द हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल्स,
You can see in these pictures fan and this is ball bearing. Now I want to tell you about the fluid friction. सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि what is fluid. Fluid is a common name for gases and liquid. ये दोनों fluid जो है gases और liquid दोनों के लिए use किया जाता है. Air आप जानते हैं बहुत ही light और thin होती है. It exerts frictional force on object. जो है अगर पानी में भी कोई चीज़ चले या एयर में चले तो ये भी फ्रिक्शन लगाता है जो इसमें से होकर के जाती है. तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आगे कैसे होता है. कोई भी चीज़ अगर इसमें चलती है फ्रिक्शनल फोर्स को हम फ्लूड के लिए ड्रैग शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूड डिपेंड्स ऑन इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूड. द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूड. फ्लूड कैसा है, वाटर है, ऑयल है या किस टाइप का है, और शेप भी इसका है. तो शेप क्या होता है बच्चों, कि आपने देखा होगा कि जो हवा में जैसे एरोप्लेन है या पक्षी हैं तो उनका शेप कैसा होगा, और या तो वाटर में जैसे व्हेल है या फिश है तो उसका शेप कैसा होगा. होता यह है बच्चों कि कम से कम फ्रिक्शन लगे, मिनिमाइज फ्रिक्शन लगे, तो ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल शेप दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंड शेप. तो ये सारी चीज़ें जब हवाई जहाज़ है, बोट है, और ये आपके नाव हैं, ये सारी चीज़ें नेचर से ही सीख करके बनाई गई हैं. क्यों? क्योंकि इससे चीज़ें जो नुकीली होती हैं फ्रिक्शन उसमें कम लगता है. आपने देखा, ये देखिए, तो इस तरह का जो शेप होगा, जैसे कि ये आपकी मान लीजिए फिश है, फिश है, तो ये आगे क्या है, पीछे क्या है, नुकीला है, नैरो एट द टिप एंड ब्रॉड इन द मिडिल. इसी तरह से आपने चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया भी ऐसी होती है, तो देखिए नुकीला हो गया, एट द टिप एंड ब्रॉड इन द मिडिल. तो इस प्रकार के शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप. क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रीम लाइंड शेप. तो इस प्रकार से शेप के आधार पर फ्रिक्शन कम लगता है और नुकीला इसलिए होता है ताकि हवा को या पानी को आसानी से चीर के आगे बढ़ सके. आपने कभी देखा होगा जब ग्रुप में पक्षी चलते हैं तो पहले एक होता है, फिर दो होते हैं, फिर तीन होते हैं, इसलिए और बारी बारी से ये स्थान को बदलते रहते हैं क्योंकि आगे वाले को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है. तो इस तरह बारी और शेप इनका ऐसे ही आगे से नुकीला होता है. तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से फ्रिक्शन लगता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.